मध्य प्रदेश की मोहन राज सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए लाख प्रयास कर रहे हैं, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता व निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। ताजा मामला गुन्नौर विधानसभा से निकल कर आ रहा है, जो दो नेशनल हाईवे को जोड़ने के 69 करोड़ की लागत से 29 किलोमीटर की सड़क का निर्माण सकरिया से दिघोड़ा तक किया जा रहा है, मगर ठेकेदार द्वारा सड़क के निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिस कारण नवनिर्मित सड़क जगह जगह उखड़ गई है। सड़क में हुई भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सड़क का बैस कमजोर होने व ठेकेदार की लापरवाही के चलते निर्माण हुई पुलियों के ज्वाइंट खुल रहे हैं, सड़कों के पड़खच्चे उड़ गए हैं और जगह जगह सड़क फूल गई है व खराब हो गई। अब ठेकेदार द्वारा दो दिन पहले निर्मित हुई सड़क पर थिगड़े लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का निर्माण घटिया स्तर पर चल रहा है, रात के अंधेरे में ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा। जब इस संबंध में गुन्नौर SDM रामनिवास और PWD विभाग के मुख्य कार्यपालन यंत्री से बात की गई तो दोनों लोग गोलमोल जवाब देते हुए कैमरे में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। डामल हुआ है जो ककरहटी से ककरहटा तक हुआ है और पानी बरसता था, डामल हुआ है, रोड टूट गई है, गिट्टी में जो गिट्टी पड़ी है इस समय उसमें मिट्टी है, आधी मिट्टी आधी गिट्टी। 67 लाख की लागत से करीब ये सड़क बनाई जा रही है, लेकिन इसका निर्माण कार्य कैसे 67 करोड़ की लागत, बिल्कुल घटिया है। कैसा इसमें कभी अधिकारी आते हैं निरीक्षण करने? नहीं, कोई नहीं आता है इसमें, और रात में काम इसमें ज़्यादा चलता है, रात में करते हैं इसमें। अच्छा, इसका बेस कैसे डाला गया था? इसमें दो बेस हुए हैं मात्र। अच्छा, अब कैसी है सड़क की स्थिति अभी जो डामरीकरण हुई? नहीं, ये तो पूरी टूट चुकी है। कब डाली थी, कितने दिनों में? ये एक हफ्ते 10 दिन हुए। पहली बार इसमें ये सड़क, ये पहली बनी थी अभी तो, पहले बनी थी वो अच्छी थी, ये तो बिल्कुल कमजोर है। क्या मानेंगे, सरकार के करोड़ों के बजट को पलीता लगाया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या नाम है आप? ये जो जिस सड़क का आपने जिक्र किया है, डिघोरा से गुन्नौर, सकरिया से डिघोरा, तो ये PWD द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, और बीच में आपके चैनल से या कहीं से और भी हमें सूचना मिली थी कि गुणवत्ता का ध्यान नहीं है, तो उस क्रम में PWD को हमने निर्देशित किया था कि प्रत्येक मटेरियल की टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग करा लें, और उन्होंने कराई भी है। वर्तमान में जो कि बरसात का सीजन है, अभी तो काम प्रभावित है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाएगा कि गुणवत्तापूर्ण संपूर्ण कार्य संपादित। पूर्व में गुन्नौर विधायक द्वारा भी पत्र के माध्यम से शिकायत की गई थी इसकी, इसके बावजूद भी जाँच न होना चाहिए? नहीं, जाँच हो गई ना, लैब टेस्टिंग हो गई है, और आगे भी ध्यान रखा जाएगा, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो ये सुनिश्चित किया जाएगा।